पिता ने मंजरी को जन्मदिन पर देने के लिए एक सुंदर सा खिलौना बनाया, जिसे उन्होंने सीपियों से सजाया और हर्ष को देते हुए कहा कि यह मैंने सबसे सुंदर लड़की मंजरी के लिए बनाया है, तुम इसे मंजरी को उसके जन्मदिन पर भेंट कर देना, उपहार दे देना। उपहार का अर्थ होता है बच्चों भेंट करना। हर्ष और मंजरी बातें करते करते एक दिन समुद्र में दूर तक चले गए। मंजरी काफी निडर हो गई थी। बच्चों निडर का अर्थ होता है साहसी, बहादुर, जो किसी से नहीं डरता। तभी कनक को एक बड़ी चट्टान पर बैठे हुए देखकर मंजरी को ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन होना, जेलसी होना, क्योंकि जो कनक थी वो समुद्र के अंदर एक बड़ी चट्टान पर बैठी हुई थी और वो हर्ष को और मंजरी को अपनी तरफ बुला रही थी। लेकिन तभी हर्ष ने कहा कि नहीं, तुम इधर आ जाओ, क्योंकि जो मंजरी है वो पानी से, समुद्र की लहरों से डर जाएगी। लेकिन यह बात सुनकर मंजरी को अच्छा नहीं लगा। तभी उसने बहुत बड़ा, बहुत सुंदर शंख देखा तो वह लहरों में आगे की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह शंख को लेने के लिए बढ़ी, तभी बड़ी तेज लहरें आई और मंजरी को बहाकर अपने साथ ले गई और वह लहरों के अंदर बेहोश हो गई। यह सब आनन फानन में ही हो गया। आनन फानन का मतलब होता उसी समय हो गया, अचानक से, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अब निश्चित था कि मंजरी किसी बड़ी चट्टान के साथ टकरा सकती है। निश्चित का मतलब होता है बच्चों तय था, ये मतलब जरूर ऐसा हो सकता था कि वह किसी बड़ी चट्टान से टकरा भी सकती थी। उसी समय कनक क्रुद्ध लहरों और मंजरी के बीच कूद गई और उसने मंजरी को अपने हाथों में थाम लिया। क्रुद्ध का अर्थ होता है बच्चों नाराज, क्रोधित, क्योंकि लहरों ऐसे इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे लहरों को बहुत गुस्सा आया हुआ। और इस प्रकार से मंजरी, कनक ने जाकर मंजरी को अपने हाथों में पकड़ लिया। थाम लेना मीन्स पकड़ लेना। हर्ष और कनक ने मिलकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला, उसे लिटाया और उसके पेट में जो पानी भर गया था उसे बाहर निकाला। अब मंजरी बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद अगले दिन मंजरी का जन्मदिन था। जन्मदिन की पार्टी पर मंजरी ने सब बच्चों को बुलाया। सब बच्चे उसके लिए कोई ना कोई उपहार लाए थे। उपहार का अर्थ होता है बच्चों भेंट देना, गिफ्ट देना किसी को। इस प्रकार हर्ष ने भी मंजरी को एक सुंदर सा खिलौना जो उसके पिताजी ने बनाया था उसे भेंट करते हुए कहा कि यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। लेकिन तभी मंजरी अचानक उठी और वो कनक के पास गई। उसने वो सुंदर सा खिलौना जो है वो कनक के हाथ पर रख दिया और यह कहा कि यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। कनक ही वो सबसे सुंदर लड़की है जिसको ये खिलौना मिलना चाहिए और यह पक्षी तुम्हारा है। ये सब लोग प्रशंसा भरी दृष्टि से मंजरी को देख रहे थे। दृष्टि का अर्थ होता है बच्चों नजर। इस प्रकार आपने देखा कि सबसे सुंदर कौन होता है? सबसे सुंदर वही होता है जो जिसका मन सुंदर होता है। शरीर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मन से सुंदर व्यक्ति जो है वो सबसे, वास्तव में सबसे सुंदर होता है।